गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुजी आपको कोटि कोटि नमन। खूब खुश रहिए। हे गुरुजी मैं भोलेनाथ माँ कामाख्या बाबा जी और माता जी के साथ आपके बारे में भी कुछ गाना चाहता हूँ। दो पंक्तियाँ बाबा कृपा करें। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। घुट घुट कर मर भी जाते हल न मिटता जिंदगी का। हे गुरुवर जो तुम न होते तो क्या होता हम सभी का। गुरुवर ने हम भक्तों के लिए बनाया है ये दरबार। गुरुवर ने हम भक्तों के लिए बनाया है ये दरबार। हम सब भी यहाँ पर होंगे मुक्त। जय जय है करौली सरकार। जय जय है करौली सरकार। जय जय है करौली। खुश हो बेटा। थैंक यू बेटा। खूब खुश है। प्रसन्न रहिए। खूब खुश है। सब बाबा और माँ के ऊपर कितना बढ़िया फिट हो गया गाना आपका। अद्भुत दरबार की कृपा है बाबा। अद्भुत आपका चरणों का धूल हर जन्म में हमको मिले। आपके दरबार से हम हर जन्म जुड़े रहे बाबा। बिल्कुल। और कोई इच्छा नहीं है मेरी। ये संकल्प पूरा कर दी जाए। बैलेंस ऐसा ही होगा। सदा सदा के लिए ऐसा ही होगा। जब आप दरबार से जुड़ते हो आपकी आस्था आपका विश्वास आपकी श्रद्धा यही सबसे बड़ा आपके पास धन है आपके पास ताकत है। जब आप दरबार से ऐसे जुड़ते हो तो दरबार भी आपसे वैसे ही जुड़ जाता है। बिल्कुल एक जैसा आपका जैसा इधर होता है जुड़ाव उधर वैसा ही आता है। जितना भाव इधर गहरा होता है उतना उधर गहरा होता है। तो ऐसे जुड़ाव होता है। और फिर दरबार ऐसे ही आप देखते हो रोज़ कितने लोग वेंटिलेटर से उतर के नीचे आते हैं। वेंटिलेटर पर होते हैं डॉक्टर बोलता है जो चार घंटे में मर जाएगा छः घंटे में मर जाएगा वो फिर से उतर के आता है आईसीयू में। आईसीयू से जनरल वार्ड वार्ड से घर में आ जाता है। कहीं नहीं डॉक्टर आश्चर्यचकित होते कैसे जिंदा हो गया ये तो मर रहा था घोषणा कर देते। वो आस्था विश्वास और श्रद्धा के कारण होता है। भक्तों में इतना आप सब में आस्था विश्वास श्रद्धा हिलोरे मारता है कि मौत भी हार जाती है यमराज ही पीछे हट जाते हैं। यही है। धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। खुश है। हे गुरु जी पिछले 10 तारीख को महाहवन करने के पश्चात हम पति पत्नी आपके समक्ष उपस्थित हुए थे। मैंने अपने छोटे लड़के ज्योति के लिए एक लड़की देखी थी शादी के लिए। अच्छा। तो मैंने आपसे अनुमति लेने के लिए उसका फोटो आपको दिखाया। तो हे बाबा आपने बताया कि यह लड़की मेरे बेटे के योग्य नहीं है। मैं बहुत देर आपकी विनती करता रहा बहुत कुछ आपकी मिन्नत करता रहा बाबा लेकिन आपने जो उचित समझा वही बताया कि आपने जो कहना था कह दिया। मुझे जो करना है मुझे करना है। हे बाबा गुरु की आज्ञा के ऊपर धरती में कुछ भी नहीं होना है। गुरु सर्वपरि हैं। हे गुरुदेव तो हम लोग घर वापस जाके ही मेरी पत्नी लड़की के माँ को सूचित कर दिए कि हम लोग ये शादी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी गुरु की अनुमति नहीं मिली। हे बाबा इसी बीच वह लड़की आकांक्षा मेरे लड़के को मोबाइल फ़ोन द्वारा उसके साथ उसको मोह जाल में फंसा ली है जबकि वो कभी मिले नहीं हैं। हे गुरुजी उनका ना सगाई हुआ है ना रिंग एंगेजमेंट ना शादी ना कुछ। और इस बीच लड़का जो है हम लोगों के साथ हमेशा उठा पटक झगड़ा झंझट कर रहा है। मैं गुरुजी कलकत्ता में रहता हूँ लड़का लखनऊ में रहता है। हे गुरुजी मैं वहाँ से आने के बाद ही तुरंत 8 नंबर काउंटर में गया और पूछा तो उन्होंने बोला आप लड़के को लेके आइए दरबार। मैं गुरुजी उसी पांव उल्टे लखनऊ भागा। लड़के से बहुत रिक्वेस्ट किया बहुत लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं जबकि मेरा लड़का ऐसा था ही नहीं गुरुजी। और तत्पश्चात मैं वापस फिर दरबार आया।
मैं वन डे मैं टोकन कटा के आपसे मिलने के लिए यहाँ आज आपके सामने उपस्थित हूँ हे बाबा। और इसी बीच लड़की का जो पिताजी है मुझको अपने वकील के द्वारा बार बार टेलीफोन करके परेशान कर रहा है। कल भी धमकी दे रहा था कि अब तो आपको जेल होगी। हे गुरु जी, मेरी क्या गलती है? मैं तो ना सगाई किया था, ना रिंग एंगेजमेंट हुआ था, ना शादी हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। जितनी तैयारी उधर से थी उतनी मेरी भी थी। तो इस विपत्ति से हमारे परिवार को कोई बात है, कोई बात है। अभी क्या है, वो लड़की का जो रिश्ता आया ना, कौन लाया था वो रिश्ता? जो अगुआ है वो फोन नहीं पकड़ रहा है गुरुजी। हाँ, अगुआ जो है वो फोन नहीं पकड़ रहा। हाँ, आपको क्या लगता है आपका बेटा उस लड़की को पहले से नहीं जानता था? नहीं नहीं गुरुजी, पहले से नहीं जानता, बिल्कुल नहीं गुरुजी। हाँ, जस्ट हम लोग लड़की को एक बार बलिया में देखने गए, बस एक ही बार जो देखना हुआ था। हाँ, बर्थडे के टाइम में वो लोग एक दूसरे को विश किए होंगे, तो उसके बाद जो क्या बना हमको पता नहीं, किंतु वो लोग एक दूसरे से मिले नहीं है कभी गुरुजी। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि पहले नहीं मिले? क्योंकि लड़का लखनऊ में रहता है और लड़की बलिया में रहती है, और हम लोग तो कलकत्ता में रहते हैं गुरुजी, दुर्गापुर में रहते हैं। तो सीता जी ना जनकपुरी में थी, नेपाल में, राम अयोध्या में थे, फिर भी जानते थे। तो गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, सारी कोई भी चीज तो आपसे छुपी नहीं है गुरुजी। लेकिन हम लोग तो बस गुरु का आदेश हम लोग जानते हैं, गुरु का आदेश ही मेरे लिए सब। तो हम बताते हैं कि लड़का लड़की को पहले से ही जानते थे, ये एक प्रोजेक्शन था जो आपके सामने किया गया। हाँ कोई बात नहीं, आप फोटो निकालो लड़के का। गुरुजी लड़के का अंतर्वास भी है, गंजी है और फोटो भी है। आप फोटो देखो बस, उसका कपड़ा है क्या? हाँ कपड़ा है गुरु। लड़के का? हाँ जी। लो हाथ में लो, उसी बस उसी रख लो, आंखें बंद करो। अब आंखें बंद कर लो, तुम बाबा से प्रार्थना कर लो जो करना चाह रहे हो मन में। ओम कर्ण प्रहार भयानक उच्चाटन शिव। नफरत घृणा एक दूसरे को, माता पिता को धोखा देके, दूरी पैदा करने वाली स्मृतियां सब नष्ट कर दीजिए शिव। भयंकर उच्चाटन पैदा किया जाए दोनों में एक दूसरे के प्रति, भयानक उच्चाटन, नफरत घृणा की स्मृतियाँ भर दी जाएंगे दूसरे के प्रति, जिस लड़की से जुड़ा हुआ बाहर की दुनिया से, भयानक उच्चाटन। अकेले किया जाए अलग अलग, जुड़े हुए डीएनए ऊर्जा पर तोड़ दिया जाए शिव, अलग किया जाए। लिंगवायर भी लड़की को उसके माता पिता से तोड़ के अलग कीजिए, लिंग भैर में खींच के लाई जाए, पकड़ के पूरी खींच के लाई जाए, यहीं लाई जाए खींच के, इनके पिता से बाहर निकाली जाए। त्रिपुर सुंदर प्रहार, प्रहार नाक फांस, प्रहार बांध के लाया जाए,
लिंग भैरवी को बांध के लाया जाए और लिंग भैरव को भी बांध के लाया जाए। पूरा खींच के लाया जाए, आखिरी अंश तक खींच के लाया जाए, जो भटका रहे और काम वासना बढ़ा रहे ओम, सब बांध के लाए शिव, जमा किया जाए सब दरबार यथास्थान ओम ओम ओम। एक दूसरे को लड़के और लड़की को उच्चाटन और भुला दिया जाए शिव, जिस दिन पहले दिन मिले थे उससे एक वर्ष पहले लाया जाए इनको टाइम जोन में, वहाँ स्थिर कर दिया इनकी उम्र को, शिव बैलेंस अलग अलग किए जाए। उच्चाटन एक दूसरे को भुला दिया जाए, जब एक दूसरे को देखें नफरत और घृणा पैदा हो एक दूसरे के प्रति, हो अकेले रहने दूर रहने की स्मृतियाँ पड़ दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, तत्काल से सक्रिय की जाए अभी इसी समय से बैलेंस, सब भर के वापस भेज दी जाए उसी शिव, गन्ने का रस भर दिया जाए दोनों में, इन्हीं रस भर दिया जाए पूरे से डुबो दिया जाए, काम दो दोनों की बड़ी हुई काम वासना छीन लीजिए, इस लड़की की सुंदरता नष्ट कर दीजिए, लड़के की सुंदरता छीन ले त्रिपुर सुंदर शिव, दोनों की छीन के दरबार में जमा करें, आकर्षण जमा करें, नष्ट किया जाए आकर्षण, विकर्षण पैदा कर दीजिए, बैलेंस वापस सब भर दीजिए इसमें, इसको वापस भेज दिया जाए शरीर को स्मृतियों को इनके लड़के शिव लड़की में, लड़के से लड़की भेज दीजिए, माता पिता से गहरे प्रेम स्नेह आदर और सम्मान की स्मृतियाँ इच्छा विचार से भर दी जाए, सक्रिय कर दीजिए, जब भी अपने माता पिता के बारे में सोचे अत्यंत आनंद का अनुभव हो, माता पिता से दूर जाने की अकेले रहने की सभी स्मृतियाँ नष्ट करके सेवकाओं को खिला दीजिए, सदा माता पिता के साथ रहने की कभी ना दूर जाने की स्मृतियाँ भर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, जब भी माता पिता के बारे में सोचे कल्पना करें, चित्र देखें, आँखों में आँखें डाल के देखें या यंत्र के माध्यम से बात करें, अत्यंत आनंद का अनुभव और बार बार साथ रहने का मन, दूर जाने की सभी स्मृतियाँ नष्ट करके साथ ही रहें ऐसी स्मृतियाँ भर दिया, सक्रिय कर दिया, बैलेंस प्रहार सब स्मृतियाँ आगे रखी जाएँ, पीछे रहें तो भी सक्रिय रहेंगी, जो शरीर बदमाशी करते वो सभी शरीर दोनों से निकाल के नरक में डाल दिए जाए दोनों से, बैलेंस। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली नीचे रख दो सर, नीचे रख दें, दोनों हथेली आपस में रख दें, नेत्रों पे रखें, खुश आएंगे श्रीमान, कहाँ जाएंगे, आपकी भी आंखें ठीक हो रही हैं। अरे गुरुजी आप तो, अब मैं क्या बताऊं गुरुजी आप तो बिन मांगे देते हैं बाबा ये आंखों का नर्वस सिस्टम पूरा हरा हो गया, इस तरह से चित्र बन गया है, बिल्कुल सही। मैं आपके समक्ष खड़ा होने से पहले बोलना चाहता था कि बाबा मेरे आंखों में धुंधलापन है, उसको थोड़ा देख लीजिए, बिल्कुल ग्लूकोमा ठीक हो रहा है, ठीक से ग्लूकोमा ठीक हो रहा है आपका, है ना, जो इतने और इन्फेक्शन थे सब खत्म हो गए हैं आपके, सब गुदा द्वार के इन्फेक्शन और ये वो सब सब नष्ट हो गए अभी सब। गुरु जी
लड़की का बाप माफिया है, आप छोड़ो, बहुत हमको भय है बाबा, पुलिस का कोर्ट कचहरी का धमकी दे रहा है फोन में। आप परेशान मत हो, बाबा से प्रार्थना करो, सारे माफिया जो है चींटी बराबर भी नहीं होते, समझ गए गुरु जी। मैं आपसे एक और विनती करूंगा गुरु जी, मैं पहले भी आपको बोला हूँ, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं ड्रमर हूँ, हाँ पता है, और बाबा मैं ठीक होने के बाद अपना सारा जीवन दरबार में सेवा में लगाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर, आपकी हो जाए बाबा, खुश हो, बिल्कुल सारी तमन्ना पूरी हो जाएगी इस जिंदगी की। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल होगा, सब ऐसा ही होगा, सब कुछ ऐसा ही होगा, चिंता न करें, ठीक है, ऐसा ही होगा, चिंता मत करें, अभी आप सब चीज़ें बाहर निकल आएँ, फिर दरबार तो हमेशा के लिए है, ठीक है, खुश रहो। जय जय राधा।